वेलकम बैक टू माई चैनल सुपर ग्लॉसी गर्ल। सो गाइज, आज मैं शेयर करने वाली हूँ पर्पल हॉल, जैसा मैं आपको दिखा दे रही हूँ। सी गाइज, आज मैं ये हॉल शेयर करने वाली हूँ और गाइज ज्यादा रिक्वेस्टेड होती है हॉल की, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस बार भी हॉल शेयर करूँ। तो गाइज, सेल भी स्टार्ट होने वाली है और अगर आपने कुछ खरीदा नहीं है और चाहते हैं तो खरीदना, तो जरूर सेल में खरीद लीजिएगा, बहुत ही अच्छे डिस्काउंट मिलते हैं। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो बेल उसको हिट करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो ना आप तक आसानी से पहुंच जाए। बात करते हैं इसकी, और इसको मैंने अभी भी अनबॉक्सिंग नहीं की है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं आप लोगों के सामने ही अनबॉक्सिंग कर लूँ, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, ये क्या है। गाइस, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अफोर्डेबल में मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट है, ये है बायोडर्मा का, ये है माइसेलर वाटर, और ये अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है गाइस तो डेफिनेटली इसको ट्राई कीजिए। ये है कि बायोडर्मा के प्रोडक्ट काफी अच्छे हैं, तो मैंने ट्राई करने के लिए हमेशा, जैसे मैं बोलती हूँ, कभी भी कोई भी चीज ट्राई कीजिए तो छोटी चीज लीजिए ट्राई करने के लिए, तो मैंने ये लिया है ट्राई करने के लिए, और ये काफी छोटा है, ठीक है। और इसका जो प्राइस है गाइस, इसका प्राइस 395 है इसमें दिया हुआ है, बट सेल में बहुत ही अच्छे ही रेंज में मिला था, काफी अच्छा डिस्काउंट था, ठीक है। और गाइज, फिर बात करते हैं, ये मैं आपके सामने ओपन कर रही हूँ। तो गाइज, जो नेक्स्ट है, ये दोनों फ्री मिला है, दोनों चीजों को मैंने परचेज नहीं किया है। तो गाइज, एक एक करके मैं बता रही हूँ। तो ये है मैबलिन का मस्कारा, और ये मिनी मस्कारा है गाइज। इसका प्राइस तो इस मेंशन नहीं होगा क्योंकि ये अलग से नहीं मिलता है, नॉट फॉर सेल लिखा हुआ है, नॉट फॉर सेल। तो ये मुझे फ्री मिला था, काफी अच्छी चीजें मिल जाती हैं कभी कभी फ्री। और ये मैंने लिया था स्विस ब्यूटी का सामान, कुछ प्रोडक्ट, तो वो मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। और गाइज, ये भी फ्री है, मैं आपको ओपन करके दिखा दे रही हूँ। इसका जो शेड है गाइज, वो है हॉट न्यूड, और इसका जो नंबर है वो है 222, ठीक है। तो ये शेड आप देख रहे हो, आपको दिखेगा नहीं अगर दिख रहा हो तो गाइज, ठीक है। और इसको मैं ओपन ही कर दे रही हूँ। इसका जो प्राइस है वो मेंशन नहीं है, और मैं इसको ओपन करके दिखा रही हूँ इसका शेड कैसा है आप लोगों को। सी गाइस, ये अलग से भी मिलती है, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। वाओ गाइस, इसका जो शेड है ना ब्राउन है, मतलब सीरियसली हॉट न्यूड है, और बहुत ही डिफरेंट है जैसा आप देख रहे हो। सी गाइज, बहुत ही प्रिटी है ना, बहुत ही प्रिटी शेड है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ स्वेच करके। सी अगर आपको दिख रहा हो गाइज, ये अभी परफेक्ट हो नहीं पा रहा है। बहुत ही प्रिटी शेड है गाइज, बहुत ही प्रिटी शेड है। आप न्यूड लवर हो तो डेफिनेटली ये वाला शेड जरूर बाय कीजिएगा, बहुत प्रिटी शेड लग रहा है, हॉट न्यूड। तो गाइज, जो नेक्स्ट है वो क्या है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो गाइज, ये जो नेक्स्ट है, ये है आपका कॉटन पैड। अगर आप मेकअप करते हैं और नहीं भी करते तो डेफिनेटली आपके पास ये होना चाहिए, क्योंकि आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो है, प्राइस इसमें आई थिंक मेंशन नहीं है, 65 का है गाइज, और बहुत ही अच्छे रेंज में मिल रहा था, क्योंकि सेल की ऑब्वियस सी बात है, सेल में अच्छे प्राइस में मिल जाता है। तो जो नेक्स्ट है वो है ये मैबलिन गाइज, जो सेल चलती कोई ना कोई ऑफर आता ही रहता है, और अगर आप मिस कर दिए तो नेक्स्ट सेल में जरूर ट्राई कर सकते हैं। गाइज, ये है मैबलिन का लूज पाउडर, और मेरे पास लूज पाउडर नहीं था तो मैंने सोचा ये ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। इसका जो शेड है वो है लाइट मीडियम, मैं इसको ओपन करके देखती हूँ। इसका जो प्राइस है गाइज, इसमें लिखा है 695, बट ये आई थिंक 500 के अंदर ही मिला था, हाँ 500 के अंदर ही मिला था, काफी अच्छी सेल थी इसलिए। अब ये ओपन कैसे होगा गाइज, मुझे आइडिया नहीं है, और अगर आप कोई भी चीज फर्स्ट टाइम लेते हैं तो उसका ओपन वाला सिस्टम क्या है? ऐसे कुछ समथिंग होता है, बट हो नहीं रहा, ये टूट ना जाए है ना, ये टूट ना जाए, और कुछ तो चिपका हुआ है इसमें, ऐसे होगा गाइज, इसमें बहुत मेहनत लगेगी, मुझे नहीं पता, यहाँ से थोड़ा सा सी, बट ये तो शेड हो जा रहा है ऊपर, इधर भी लगा है गाइज, जो प्राइस इधर आप देख रहे हैं ये प्राइस लगा है, मुझे लग रहा है इसको हटाने के बाद ही होगा। अरे
इसको हटा के ना हम नीचे लगा लेते हैं, ठीक है। फिर चिपक गए, फिर ये चिपक गया। अब यस, क्योंकि मुझे आइडिया था ये ऐसे ही कुछ ओपन होता है, इसके ऊपर यहाँ पे ये शीट है जैसा देख रहे हो आप। ऐसे आप फर्स्ट टाइम लेंगे तो गाइस आपको ये हटाना पड़ेगा, ठीक है, और ये हटाना पड़ेगा तब जाके खुलेगा, है ना। तो फिर और ये है, मुझे लग रहा है ये शीट परफेक्ट है और मेरी स्किन टोन के लिए। बट मेरी स्किन टोन अगर मैं ज्यादा सन में ज्यादा चलती हूँ या फिर थोड़ा भागा दौड़ी ज्यादा होती तो मेरा जो स्किन टोन होता है वो थोड़ा सा डल हो जाता है, तो ये शेड फिर नहीं जाएगा। बट अभी के लिए ठीक है, चलेगा ये वाला शेड। अगर आप थोड़ा फेयर है या फिर फेयर से थोड़ा सा मीडियम आते हैं तो आप ये वाला शेड ले सकते हैं। जो शेड है वो लाइट मीडियम है और इसका जो नंबर है वो 20 है। और ऐसे कुछ बंदोबस्त ही है, बहुत मुश्किल है ये, ठीक है। तो गाइस जो नेक्स्ट है वो है ये पाउच। मुझे पाउच बहुत पसंद है और ये बहुत पिंक कलर का। मेरे पुराने सब्सक्राइबर है तो एक पर्पल हॉल किया था, उसमें भी ये पाउच फ्री मिला था और इसमें भी ये पाउच फ्री मिला था। तो ये पाउच बहुत ही कम अवेलेबल होता है, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। लास्ट टाइम काफी था बट इस टाइम बहुत कम था। इसको देख सकते हैं, अंदर थोड़ा सा पिंक है, काफी अच्छा ये होता है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो अगर अवेलेबल होगा 300 के आसपास मिल जाएगा। तो गाइस जो नेक्स्ट है वो है ये, बड़ी मेहनत लगती है गाइस। सी गाइस, आपके सामने ही मैं इसको ओपन कर रही हूँ, है ना। सी जैसा आप देख रहे हैं ये दो है। सी गाइज, जो पहला है वो है स्विस ब्यूटी का मेकअप बेस। गाइज हाईली 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 रिकमेंड कर रहे हो अगर आप थोड़ा बहुत भी मेकअप करते हैं या फिर आपको थोड़ा ग्लॉसी स्किन चाहिए होता है ना, तो आप जरूर एक बार ट्राई कीजिए। जिसपे ऑलरेडी मैंने रिव्यू दी है, तो गाइज मैं ट्राई करूंगी, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं, ठीक है। और ये जो इसमें भी नंबर आते हैं गाइज, ये है 01 नेचुरल टिंट और ये मैंने दूसरी बार परचेज किया। पर्सनली मैं बताऊँ ये मुझे बहुत पसंद है, एक बॉटल मेरी खत्म हो गई, ये दूसरी है। अगर आप मेकअप नहीं भी करते हैं ना, हल्का फुल्का ये लगा लेंगे, बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बहुत ही शाइन करेगी। तो इस पे ऑलरेडी मैंने रिव्यू दिया हुआ है और आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो वीडियो जरूर चेक कर लीजिए। गाइस जो नेक्स्ट है ये है मैबलिन का फिट मी। हाँ गाइस, लास्ट वाले का मैंने प्राइस नहीं बताया। गाइस इसका जो प्राइस इसमें मेंशन है वो है 349, बट आपको ना 200 के अंदर मिल जाएगा, ज्यादा महंगा नहीं मिलेगा। अगर सेल चल रही तो बहुत ही अच्छा से मिल जाएगा। इसका जो प्राइस है गाइस ये है 499, काफी सही प्राइस में मुझे मिला था। और मैंने ये कभी ट्राई नहीं किया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ट्राई करूं। ये है यूवी स्मूथ नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है ये, बट लेट्स सी क्या होता है। प्राइमर विद विटामिन ई। मेरी स्किन ड्राई नहीं है बट फिर भी मैंने ये बाय किया है बिकॉज मुझे चेक करना था, क्योंकि इसमें लिखा हुआ प्राइमर विद विटामिन ई, सोचा बाय कर लूं। अगर आपको इसके रिव्यू जानना है इस पर तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली आप लोग के लिए रिव्यू लेकर आऊंगी, ठीक है। बस खत्म, इतने बड़े बॉक्स में इतना थोड़ा सा ही रहता है। जो नेक्स्ट है वो है ये बहुत पहले से विश लिस्ट में रहता था और ये बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल गया। गाइस इसका जो प्राइस है वो है 799। मैं इसको ओपन कर रही हूँ, देख रहे हो आप जैसे। वाओ, इसकी पैकेजिंग बहुत प्रिटी है, ये स्विस ब्यूटी का। गाइस स्विस ब्यूटी पर्सनली मुझे बहुत पसंद है ये प्रोडक्ट, अगर आप बिगिनर हो। वाओ गाइस, आपको अगर किसी को गिफ्ट देना है ना, सी गाइस किसी को भी गिफ्ट देना है तो डेफिनेटली आप दे सकते हैं। बहुत प्रिटी इसका जो ब्रश है, वाओ गाइज मैं एक बार ट्राई कर लूँ। गाइज फेस का और फाउंडेशन का और ये आईज का तीनों है दे रहे हैं। इसकी पैकेजिंग बहुत प्यारी, बहुत लग्जूरियस लग रही है मेरे। और गाइज ब्रिसल्स भी मैं आपको दिखा दूँ, गाइज मैं ब्रिसल्स दिखा दूँ। वाओ, इतने सॉफ्ट ब्रिसल्स, वाओ गाइज। अब इसको यूज करने पे कैसा होगा देखते हैं क्या है, बट ये बहुत प्रिटी है। गाइस किसी की शादी या बर्थडे है, मेकअप थोड़ा बहुत भी करती हो ना, ये बेस्ट है, बहुत प्रिटी
और अफोर्डेबल है गाइस, क्योंकि अगर आप कोई भी ब्रश खरीदने चाहेंगे ना बहुत महंगे महंगे पड़ेंगे, मतलब 2,000, 3,000, 5,000 बहुत महंगे अगर आप टीनेजर्स हो या बिगनर्स हो। मुझे नहीं लगता कि आप इतना महंगा खरीद पाओगे, मैं खुद नहीं खरीदती हूँ वो इतना महंगा, बट ये मुझे बहुत सही लगा। अगर आप मेकअप करते हो तो इससे तो आपका काम चल जाएगा और देखने में भी बहुत लग्जूरियस है, वाओ है ना। ये थी वीडियो, और आपको ये पर्पल हॉल कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, स्किन केयर मेकअप ट्यूटोरियल या फिर कुछ इंटरेस्टिंग। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ आप तक आसानी से पहुंच जाए।